ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की किष्किंध कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी आपस में एक दूसरे के साथ फिर परिचय मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि दोनों तो हमेशा के लिए है ही, लेकिन इस बहाने यहाँ जंगल में इस घने वन में ऋषिमुख पर्वत के सामने जिस प्रकार दोनों की बातचीत होने के बाद परस्पर एक दूसरे से मिलने के बाद इस स्थिति को देखकर आगे हनुमान जी ने क्या किया, पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे और पद के साथ साथ व्याख्या भी देखेंगे। देखि पवन सुत पति अनुकूल हृदय हर्षि बीति सब सोला नाथ शैल पर कपिपति रहई सो सुग्रीव दास तव अहई तेहि सन नाथ मैत्री की जय दीन जान तेहि अभय करीजे सो सीता कर खोज कराई जह तह मर्कट कोटि पटाई ये विधि सकल कथा समुझाई लिए धुआ जन पीठ चढ़ाई जब सुग्रीव राम कहूँ देखा अतिशय जन्म धन्य कर लेका सादर मिले वो नाई पद माता बेंटे वो अनुज सहित रघुनाता कपि कर मन विचार यही रीति कर हही विधि मो सन ये प्रीति तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई पावक साकी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। देखिए यहाँ हनुमान जी जैसे प्रभु एकदम प्रभु की अनुकूलता प्राप्त करके क्या किया, देखि पवन सुत पति अनुकूला हृदय हर्ष बीति सब सोला नाथ शैल पर कपि पति रहई सो सुग्रीव दास तव अहई। स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी की अनुकूलता को देखकर प्रसन्न होकर हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया, मतलब अत्यंत हर्ष आनंद का अनुभव हुआ और उनके सब देखे उनके सब दुख जाते हैं, मतलब उनके सारे जो भी दुख है मन में क्लेश हैं तकलीफ है धीरे धीरे समाप्त होने के बाद हनुमान जी ने कहा, हे नाथ हे प्रभु प्रभु श्री रामचंद्र जी इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है वह आपका दास है ते ही सन नाथ मैत्री की जय दीन जान ते ही अभय करीजे सो सीता कर खोज कराई जह तह मरकट कोटि पटाई। हे प्रभु उससे मित्रता कीजिए, क्यों उसे दीन जान कर निर्भय कर दीजिए, पहले उनको डर मुक्त करना है भयमुक्त करना है, क्यों इसके बाद क्या होगा वो सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समझाई लिए धुमा जन पीठ चढ़ाई जब सुग्रीव राम कहो देखा अतिशय जन्म धन्य कर लेका। इस प्रकार सारी बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म का
अपने ऐसे देखते ही अपने संपूर्ण जन्म को सबसे अत्यंत धन्य समझा और अत्यंत हर्ष का अनुभव हुआ। सादर मिले वो नाई पद माथा, बेंटे वो अनुज सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार यही रीति, करिहहि विधि मोह सन ये प्रीति। सुग्रीव जी चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले, मतलब अभी साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी भी छोटे भाई लक्ष्मण सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में देखिए अब ऐसे सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे, मतलब मुझसे दोस्ती करेंगे। तब हनुमंत अब उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साकी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब देखिए हनुमान जी ने क्या किया, दोनों ओर की सब कथा सुनाकर, एक ओर प्रभु श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण कथा और एक ओर सुग्रीव जी की संपूर्ण, दोनों को आपस में समझाने के बाद अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। इसका मतलब यह है कि अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। देखिए इस प्रकार इस पद का मैं और एक बार संक्षिप्त में अर्थ बताना चाहता हूं। इस पद में क्या हुआ, देखिए जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को अनुकूल देखकर पवन सुत हनुमान जी का हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके सारे दुख जाते रहे, मतलब तब हनुमान जी ने क्या कहा, देखिए कहीं एक शब्द एक पल भी वो व्यर्थ नहीं करते, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि ये तो टाइम मैनेजर है कहते हैं। उन्होंने कहा देखिए, हे नाथ हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, इस पर्वत पर वानरों का राजा रहता है, उसका नाम सुग्रीव है और वह आपका दास है। हे श्री रामचंद्र प्रभु जी, उसके साथ मित्रता कर लीजिए और उन्हें दीन जन जानकर उसे सबसे पहले भय मुक्त कर दीजिए, क्योंकि वाली के साथ जो भय है उससे मुक्त करवा दीजिए। जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजकर वो सीता जी की खोज करावेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरह सारी बातें समझा हनुमान जी ने दोनों भाई मतलब राम जी और लक्ष्मण जी को अपने पीठ पर चढ़ा लिया और लेके गए हैं। जब सुग्रीव ने प्रभु श्री रघुनाथ जी को देखा तब उसने अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा, तुरंत चरणों में सिर झुकाकर सुग्रीव आदर पूर्वक मिले। लेकिन प्रभु देखिए, प्रभु श्री रघुनाथ जी की कृपा देखिए, छोटे भाई और अनुज लक्ष्मण के साथ उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव के मन में इस प्रकार के विचार उठते हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझे, मतलब मैं तो वानर हूँ, क्या वानर से यह प्रीति मतलब ये मैत्री करेंगे या मित्रता करेंगे। इस प्रकार के उनके मन में बहुत से शंकाएं। देखिए, कपि कर मन विचार यही रीति, कर ही विधि मो सन ये प्रीति, क्या वानर से ये मित्रता करेंगे, तो राजा है। देखिए तब हनुमान जी ने दोनों पक्षों की कथा सुनाया, मतलब एक दूसरे को दोनों की कथा सुनाने के बाद अग्नि को साक्षी रखकर प्रतिज्ञा पूर्वक, क्यों अग्नि को ही रखा है, क्योंकि एक हमारे भारतीय परंपरा की अग्नि सबके लिए साक्षी, क्योंकि हम सब जानते हैं अग्नि, इसलिए विवाह के समय में क्या नहीं, चाहे शुभ या अशुभ जो भी हो, अग्नि मतलब होम करके और इस प्रकार अग्नि को जला के संपूर्ण जो भी देवताओं को निमंत्रण देकर उन सबको अनेक चीज़ों से आहुति देकर अग्नि को साक्षी बनाकर, इसका इसलिए विवाह के समय में भी अग्नि क्यों होम के साथ करते हैं कि इसका कारण ये है कि जिस प्रकार अग्नि मतलब हमारे लिए, हम सब जानते
सकते हैं, जिस प्रकार हम पंचभूत कहते हैं इसीलिए उसको हम सत्य मानते हैं। और इसीलिए हनुमान जी ने क्या किया, सुग्रीव और राम जी की मित्रता के लिए दोनों पक्षों की आपस में कथा सुनाने के बाद अब दोनों पक्ष में जिस प्रकार समझौता और मित्रता कैसे करवाए हैं, अग्नि को साक्षी रखकर प्रतिज्ञा पूर्वक उन दोनों की मित्रता या मैत्री करवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद।